और मैं दलजीत अजनोहा। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं STFBSF में, यहाँ आज प्रशिक्षण केंद्र में आज पासिंग आउट हुई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आसिफ जलाल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब जड़े BSF के हैं वो पहुँचे हैं। हम उनसे बात करेंगे इस पासिंग आउट परेड के बारे में, कितने यहाँ पे नवरक्षित बच्चे पास आउट हुआ, कौन सा कितने लोग हैं, और आगे भविष्य में BSF में अगर कोई नौजवान आना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रावधान है। थैंक यू। यहाँ पे आज 88 नए महिला कांस्टेबल रिक्रूट जो BSF को जिन्होंने ज्वाइन किया, उनका 44 वीक्स के ट्रेनिंग के बाद आज इनका पासिंग आउट हुआ है और यहाँ फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया और एक बहुत ही भव्य जो है से इन्होंने POP हुआ आज ऑर्गेनाइज हुआ। इन्होंने बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड, बहुत एनर्जेटिक होकर के, पूरे जोश के साथ, बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ इन्होंने परेड परफॉर्म किया और एक अच्छा फंक्शन, कल्चरल फंक्शन भी इन्होंने परफॉर्म किया। सर, जो बहुत बेरोजगारी है, बहुत से लोग BSF में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो BSF में ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज़रूर आएँ। BSF एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें जो यूथ जो चाहते हैं, जो एक रोमांच चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, एक एडवेंचर चाहते हैं, रिस्क चाहते हैं, एक अच्छी नौकरी चाहते हैं, एक बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं, अलग अलग जगह घूमने का अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ें हैं। और आप अगर जो यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो आप कश्मीर में काम करने का मौका मिलेगा, आपको राजस्थान में, गुजरात में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, हर जगह देश के हर एक कोना में आपको काम करने का मौका मिलेगा और एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, आपका बेहतर ढंग से ध्यान रखता है, आपको ग्रूम करता है, आपको कोई लायक बनाता है, बढ़िया ट्रेनिंग देता है, एक बढ़िया माहौल रहता है ऑर्गेनाइजेशन में और आपको एक बढ़िया स्मार्ट दिखने का, वर्दी पहनने का और बंदूक चलाने का और देश की हिफाजत करने का, बॉर्डर पे काम करने का, दिन में काम करने का, रात में काम करने का, जिस तरह का आप एडवेंचरस चीज़ें फिल्मों में देखते हैं और सीरियल में देखते हैं, उस तरह का काम यहाँ पर देश की सेवा करने का मौका मिलता है। सर, जो आज बैच पास आउट हुआ है, इसमें कितने राज्यों के बच्चे थे जो नवरक्षित थे लोग? इसमें जो है से लगभग पूरे इंडिया से, साउथ इंडिया, तमिलनाडु से लेकर के पंजाब, बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों से, राजस्थान, सभी राज्यों से यहाँ पर महिलाएं जो है से ज्वाइन किया है और उनका POP हुआ। सर, BSF में आने के लिए जो महिलाओं की भर्ती है उसमें कोई खास प्रावधान है जहाँ जो फीमेल में होता है मेल में होता है वही होता है? नहीं, इनका फिजिकल स्टैंडर्ड अलग होता है और इनका जो है कई चीज़ें जो उससे डिफरेंट होती हैं, जो महिला जैसे बाकी CAPF में डिफरेंट होता है उसी तरह से इनका स्टैंडर्ड दूसरा होता है। आए और जो ऐसे अभी जैसे इन्होंने जो महिला प्रहरी जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिनका पासिंग आउट परेड हुआ है, कई पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कई ग्रेजुएट हैं और बहुत टैलेंटेड हैं, अच्छे बोलने में, अच्छा परफॉर्मेंस करने में, इनकी ट्रेनिंग जो इन्होंने वेपन ट्रेनिंग किया, इन्होंने असॉल्ट कोर्स किया, इन्होंने कमांडो कोर्स किया या अनआर्म्ड कॉम्बैट का जो है से यहाँ पर परफॉर्मेंस किया, एक्सेलेंट है और ये जो है मर्दों से जो है से किसी भी पॉइंट में किसी भी तरह से कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, दोस्तों ये थे IG आसिफ जलाल जी, जिन्होंने BSF के बारे में बहुत बढ़िया ढंग से बताया और इन्होंने बताया कि अगर नौजवान BSF में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो किस ढंग से यहाँ पे आ सकते हैं। सो हम आपसे की ये बातचीत अपने चैनल के माध्यम लोगों तक, आवाम तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे।